स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और ये चल रहा है अयोध्या में हमारा सेकेंड डे और अभी हो चुकी है सुबह और अब हम जाएंगे सरयू माता नहाने के लिए। और ये है हमारे क्यूट बच्चे से हेलो। तो अभी हम चलते हैं सरयू माता की तरफ स्नान करेंगे, फिर हम जाएंगे श्री राम लला के दर्शन करने, उसके बाद हम जाएंगे हनुमानगढ़ी। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चुकी है सुबह और अयोध्या में हो रही है जमकर बारिश, सुबह से हो रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी रुकी है। तो हम निकले हैं सरयू माता जाने के लिए और देखिए ये ठंडा ठंडा मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। इधर ये देखिए लहरें मतलब सरयू माता की, और ये देखिए हवा भी इतनी तेज चल रही है। और इधर घाट स्नान करने के लिए, और ये देखिए कैसे हवा चल रही है और इधर लहरें भी इतनी उठ रही है। तो अभी हम चलते हैं स्नान करने, हम लगा रहे हैं डुबकी। और ये जो मतलब फीलिंग है ये आउट ऑफ बिल्कुल एक्सप्लेन है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। किसी भी वाटर पार्क में ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती है क्योंकि इसमें हमारे राम जी समाए हैं, इसमें हमारे राम जी समाए हैं, ये हमारी सरयू माता। डुबकी लगाने आरती जी को भी ठंडी लग रही है। और नहाने वाने के बाद ये ले ली हमने कुल्लड़ वाली चाय जो बहुत टेस्टी है। हमारा लता मंगेशकर चौराहा और ये यहाँ का आकर्षण पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि अब हम लोग जा रहे हैं फिर से हनुमानगढ़ी में दर्शन करने और बारिश वैसी हो ही रही है। और वो रहे हमारे श्री राम प्रभु और ये रहा मीना। अभी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं ई रिक्शा, अब हम सीधे यहाँ से जाएंगे हनुमानगढ़ी क्योंकि रात को हम चल चल के पैदल थक चुके थे। इस टाइम ऑटो मिल रहा है तो हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। माधुरी ये है जुगल धर्मशाला और हमने ले लिया है ये प्रसाद हनुमान जी के लिए, हनुमानगढ़ी के लड्डू जो वर्ल्ड फेमस है। अब हम जा रहे हैं हनुमान जी को चढ़ाने। चुके हम हनुमानगढ़ी, जय श्री राम, जय श्री राम। ना रखे दर्शन करने के बाद निकाल द्वार से ही निकले निकलने के। बहुत ही भीड़ थी जिसके वजह से बालाजी के तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ये रहा आप लोग यहाँ से भी दर्शन कर लो, जय श्री राम बोल लो। हम दर्शन वर्शन करने के बाद गेट से निकल रहे हैं और यहाँ पे ढोल बज रहा था जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम ले रहे हैं पूजा करने का जैसे बर्तन भगवान लोगों का। खाएंगे यहाँ पे बताशे ले लिया है गदा और इधर हमने लिया है नंदी भगवान जी। मैं इसको घर पे आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे है नंदी भगवान जी। और ये है हवन का सामान और सब कुछ ले और कान्हा जी को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो ये हमने लिए कान्हा जी के कपड़े और ये रहे नंदी भगवान। मैंने सोचा यहीं पे दिखा दूंगी आप लोगों को। और ये हम ले रहे हैं यहाँ से मीठे मीठे अमरूद अयोध्या के। और हमने ले लिया है ये पर्स अपने बिट्टू के लिए। उसके बाद हमें लगी जोड़ों की भूख तो हम चल पड़े पेट पूजा करने। हमने ये लिया अपना थाल जो बहुत ही मतलब सस्ता था, 70 रुपये में हमें मिल गया था। स्टेशन के जस्ट सामने मतलब एक है रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत ही टेस्टी खाना था और शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज वाला था। खा लिया है खाना और नित्या ने भी खाना खा लिया तभी इसके फेस पे आ गई है स्माइल। अब हम जा रहे हैं स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन है बहुत लेट, क्योंकि हमारी डॉन एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि आने
आगे 3:30 पे तो हम लोग जाएंगे अभी स्टेशन और पकड़ेंगे ट्रेन, और नित्या भी अभी पकड़ेगी ट्रेन, ये जाएगी अपनी मम्मा के पास। बोलो जय श्री राम। स्टेशन खाना वाना खा के, और ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब 4:30 दिखा रही है अभी। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जब ट्रेन आएगी तो हम स्टेशन के अंदर जाएंगे और ट्रेन में बैठ के अपने लखनऊ के लिए चले जाएंगे। इधर देखिए सब ये मतलब ट्रेन लेट होने की वजह से सब यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। प्लेटफॉर्म की आज भी वही कल जैसी हालत, क्योंकि कल जो आए थे वो आज अपने घर फिर जा रहे हैं, तो आज फिर प्लेटफॉर्म पे उतना ही भीड़ है ये देखिए। और अभी हम लोग की ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और हम लोग लखनऊ के लिए जाएंगे, इसी पर आएगी हम लोग की ट्रेन। ट्रेन में हुई है बहुत ही मज़ेदार एक चीज़, क्योंकि हमें मिले हमारा छोटा सा फ्रेंड देश, जो कि बहुत ही क्यूट है। हमारे सफ़र को इसने बना दिया है बहुत ही आसान। हम लोग तब से बातें कर रहे हैं, हम लोग को बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। देव, ये हमारे देव है और बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड है। और इधर है हमारी साथी एक और है, हम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं, खाते पीते बहुत ही मज़े करते करते एंजॉय के साथ जा रहे हैं। हालांकि है ये स्लीपर डब्बा, लेकिन हो चुका है जनरल डब्बा, क्योंकि पूरे डब्बे में बस यात्री बैठे हुए हैं और बस बहुत ही भीड़ है। और ये मैं फाइनली आ गई ऐशबाग स्टेशन लखनऊ। ये आ चुके हैं अब हम घर अयोध्या से वापस, और ये है बेटू जो मेरा इंतज़ार कर रही है रात के 11 बजे भी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा दो बेटू मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाँ, मैं इसके लिए लेकर आई हूँ बिस्कुट, है ना। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये अयोध्या का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।